का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। रतलाम शहर कांग्रेस उम्मीदवार पारस अखलेचा ने प्रभु श्री का आशीर्वाद लेने के साथ निकाली भव्य नामांकन रैली। नामांकन रैली में कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए शामिल। भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पारस अखलेचा दादा ने किया नामांकन पत्र दाखिल। रतलाम ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह डिंडोर ने किया नामांकन पत्र दाखिल। नामांकन पत्र दाखिल करने बैलगाड़ी चलाकर पहुंचे कांग्रेसी उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह डिंडोर। नामांकन रैली में कांग्रेसी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हुए शामिल। वहीं रतलाम ग्रामीण से डॉक्टर अभय ओहरी ने भी जयस के बैनर तले जमा किया अपना नामांकन पत्र। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन कर रहा निरंतर बड़ी कार्यवाही। मानव चौक थाना पुलिस ने एक व्यापारी से 15 लाख रुपए की रकम की जब्त। हिसाब नहीं देने पर सीएसपी ने कहा रकम होगी जब्त। चुनाव की तारीखों के साथ ही विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया। वहीं भाजपा एवं कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के साथ ही उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र जमा करने का काम भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस संगठन द्वारा रतलाम शहर के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पारस अखलेचा को घोषित करने के बाद से ही कांग्रेसी नेताओं में हर्ष व्याप्त है। वहीं आज कांग्रेस उम्मीदवार पारस अखलेचा ने स्थानीय बाजा बस स्टैंड चौराहे से श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना करने के साथ ही प्रभु श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने समर्थकों के बीच पहुंचे। यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार पारस अखलेचा का उनके समर्थकों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। रतलाम शहर कांग्रेस उम्मीदवार पारस दादा अखलेचा ने अपने समर्थकों के साथ स्थानीय बाजना बस स्टैंड चौराहे से भव्य नामांकन रैली का आयोजन किया। नामांकन रैली में सर्वप्रथम कांग्रेस नेत्रियां कांग्रेस का तिरंगा हाथ में लिए चल रही थी। वहीं उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं समर्थक अपने अपने वाहनों पर भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दो पहिया वाहनों पर सवार होकर चल रहे थे। पारस दादा अखलेचा कांग्रेस युवा नेता मयंक जाट के साथ गाड़ी पर बैठकर नामांकन पत्र दाखिल करने वाली रैली में चल रहे थे। नामांकन पत्र वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर पारस अखलेचा दादा ने अपने समर्थकों के साथ शहर एसडीएम को अपना नामांकन पत्र जमा किया। I'm
रतलाम ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लक्ष्मण सिंह डिंडोर का नाम घोषित होने के साथ ही उनका विरोध होना भी शुरू हो गया था। बावजूद इसके उन्होंने मोर्चा संभालते हुए क्षेत्र के कर्मठ कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने अपना जहां जनसंपर्क जारी रखा, वहीं आज रतलाम शहर ग्रामीण SDM कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया। रतलाम ग्रामीण कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह डिंडोर की नामांकन रैली स्थानीय न्यू कलेक्ट्रेट क्षेत्र से निकली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कोट चौराहा पहुंची। यहां से अपने समर्थकों के साथ रतलाम ग्रामीण कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह डिंडोर ग्रामीण SDM कक्ष में पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ग्रामीण कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह डिंडोर ने इस अवसर पर कहा कि इस मर्तबा क्षेत्र की जनता परिवर्तन की इच्छा रखती है और परिवर्तन के रूप में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ी हुई है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रतलाम ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं नेता उपस्थित रहे। अब बारी एक छोटे से ब्रेक की। क्या हुआ राहुल, इतने उदास क्यों हो? यार सुनाली, मैं अपने गंजेपन को लेकर परेशान हूँ, साथ ही चेहरा भी काफी खराब हो गया है, इसके कारण कहीं जाने में भी शर्म आती है। तुम इतनी टेंशन मत लो, हमारी रतलाम शहर में स्किन एंड हेयर केयर सेंटर लोकेंद्र टॉकीज के पास लेकर आए हैं हेयर एंड स्किन का ट्रीटमेंट एडवांस लेजर मशीन से, जहां पर बालों का संपूर्ण ट्रीटमेंट के साथ स्किन की सभी प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाता है। अधिक जानकारी 8305626110। आजकल सेल्फी लेने का मन ही नहीं होता, बेजान चेहरा, काले गहरे गोल निशान। फिर तो तुम ग्लो टू एक्स क्रीम सुबह शाम यूज करो, इससे चेहरे पर ग्लो आता है, रंग में निखार आता है, काले गहरे निशान, झुर्रियां, झाइयां हटते हैं और इसका यूनिक फॉर्मूला त्वचा को हेल्दी बनाता है। इसमें स्टेरॉइड और चेहरे को लाल करने वाले हाइड्रोक्विनोन नहीं है, साथ ही चिपचिपा व ऑयली भी नहीं है, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए होता है। आज ही ऑर्डर प्लेस करने पर पाएं फ्री डिलीवरी के साथ 319 रुपए की कीमत वाला सनस्क्रीन बिल्कुल फ्री। प्रदेश कांग्रेस संगठन द्वारा रतलाम ग्रामीण क्षेत्र से लक्ष्मण सिंह डिंडोर को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने के पश्चात कांग्रेसी नेताओं में खासा असंतोष देखने को मिला था। वहीं जैस नेताओं ने भी रतलाम ग्रामीण कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह डिंडोर का पूरी ताकत से विरोध किया था। बावजूद इसके प्रदेश कांग्रेस संगठन द्वारा रतलाम ग्रामीण में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बदले जाने पर प्रदेश जयस नेता डॉक्टर अभय ओहरी द्वारा स्थानीय नेहरू स्टेडियम से रैली निकालकर रतलाम ग्रामीण विधानसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं जयस नेताओं के साथ रतलाम ग्रामीण से जुड़े जयस एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। Thank you.
पे। रतलाम की मानक चौक थाना क्षेत्र में पुलिस ने बीड़ी सिगरेट ट्रेडर्स की दुकान से 21 लाख रुपए जब्त किए हैं। हवाला कारोबार की आशंका में मानक चौक थाना पुलिस की टीम ने कार्यवाही करते हुए पुरुषोत्तम मोतियानी और संजय मोतियानी के पास से 21,88,000 रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में कैश का हिसाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने धारा 102 के अंतर्गत रुपए जब्त कर आयकर विभाग और जीएसटी को मामला सौंप दिया है। सीएसपी अभिषेक वारंगे ने बताया कि मानक चौक थाना क्षेत्र स्थित सावरिया ट्रेडर्स पर कार्यवाही के दौरान 21,88,900 रुपए नगद बरामद हुए हैं। आरोपी पिता पुत्र पुरुषोत्तम और संजय मोतियानी रुपए का हिसाब नहीं दे सके। हवाला कारोबार की आशंका में रुपए जब्त कर कार्यवाही की गई है। जुए सट्टे के ऊपर जो लगातार कार्रवाई की जा रही है पिछले विगत कुछ दिनों से, इसके अंतर्गत शहर सराय क्षेत्र से ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ हवाला का पैसा होने की संभावना एक दुकान में जताई गई। श्री सावरिया ट्रेडर्स करके एक दुकान है जहाँ पर पुरुषोत्तम मोतियानी और संजय मोतियानी इनके पास से बैग में कुछ पैसे मिले हैं जिनको काउंट करने पर लगभग 21,88,929 रुपये के आसपास की रकम फिलहाल में सामने आई है। और इसका हिसाब किताब पूछने पर कुछ स्पष्ट उत्तर इनके द्वारा नहीं दिया गया है। दोनों जो पिता पुत्र मिले हैं इनके द्वारा कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। फिलहाल पुलिस इसको 102 में जब्त करेगी और आगामी कार्रवाई करेगी। अभी कुछ ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं, बार बार अलग अलग तथ्य सामने ला रहे हैं पुलिस के, तथा इसी कारण से इसको जब्त किया जा रहा है। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रतलाम शहर कांग्रेस उम्मीदवार पारस अखलेचा ने प्रभुश्री का आशीर्वाद लेने के साथ निकाली भव्य नामांकन रैली। नामांकन रैली में कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए शामिल। भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पारस अखलेचा दादा ने किया नामांकन पत्र दाखिल। रतलाम ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह डिंडोर ने किया नामांकन पत्र दाखिल। नामांकन पत्र दाखिल करने बैलगाड़ी चलाकर पहुंचे कांग्रेसी उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह डिंडोर। नामांकन रैली में कांग्रेसी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हुए शामिल। वहीं रतलाम ग्रामीण से डॉक्टर अभय ओहरी ने भी जयस के बैनर तले जमा किया अपना नामांकन पत्र। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन कर रहा निरंतर बड़ी कार्यवाही। मानक चौक थाना पुलिस ने एक व्यापारी से 15 लाख रुपए की रकम की जब्त। हिसाब नहीं देने पर सीएसपी ने कहा रकम होगी जब्त।